चिदंबरम को कोर्ट में किया पेश, सीबीआई ने मांगी कस्टडी। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने एक दिन कस्टडी मांगी। वहीं पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और डॉक्टर कृष्णन ने कहा कि वे चिदंबरम की जमानत की अपील करने जा रहे हैं। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि अगर ऐसा है तो कोर्ट जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय दे। कॉलेज परिसर में पाकिस्तानी झंडा लहराने का शक, पुलिस ने 30 छात्रों को किया गिरफ्तार। केरल के कोझिकांड में एक कॉलेज के अंदर कथित तौर पर पाकिस्तानी झंडा लहराने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने लगभग 30 से ज्यादा छात्रों को कैंपस परिसर के अंदर कथित तौर पर पाकिस्तान का झंडा लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। भारत की तारीफ में पाकिस्तानी नेता ने गाया, सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में एक पाकिस्तानी नेता ने भारत की तारीफ में एक गाना गाया है, सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। गाना गाने वाले शख्स पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक है, जिनका नाम अल्ताफ हुसैन है। लालू की बेटी मीसा की जिंदगी में 21 सितंबर को आने वाले है ट्विस्ट, जाने दिल्ली कनेक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और पूर्व सांसद मीसा भारती के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर राउत एवेन्यू कोर्ट 21 सितंबर को संज्ञान लेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा भारती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 जुलाई को पूरक आरोप पत्र दायर किया था। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।